तो जब भी आप लोग ब्रिकवार करते हैं इस तरह की गलती ना करें, जैसे कि हमारे मिस्त्री साहब कर रखे हैं, आपको दिख रहा होगा जो हमारा लेंटर का एरिया छोड़ा जाता है, कम से कम वो छोड़े आप 2 फीट से अधिक ही छोड़े, उससे कम नहीं। जैसे कि ये अभी देखिए 9 इंच के करीब छोड़ रखा है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि इस तरह में लटक होने की, कड़क होने की ज़्यादा गारंटी होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरह का अगर आप कटआउट छोड़ते हैं दीवार में, तो आप कम से कम भी तो 2 फीट छोड़कर कटआउट तब दीवार पैक करें, इस तरह की गलती ना करें जैसे हमारे मिस्त्री कर रखे हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जानकारी में बताइए वीडियो में कमेंट करके। और जब भी आप ब्रिक पार करते हैं कहीं की भी, तो इस तरह से कंक्रीट जरूर डाल लें, DPC बोला जाता है इसको, 3 इंची DPC आप डाल लें। इससे क्या होता है कि हमारा दीवार कड़क नहीं होता है, अगर कड़क होता भी है वास्तव में तो उस दीवार को कड़क को और बढ़ने नहीं देता है। अगर नीचे से कड़क होते हुए जाता है ऊपर, तो ये ऊपर तक बढ़ने नहीं देता है। और ये आप जब भी ब्रिक वार करें तो इस तरह का काम जरूर कर लें, जैसे कि किया गया है आपको दिख रहा होगा। इस तरह ज़रूर ब्रिक वार के ऊपर 3 इंची का कंक्रीट कर लें, उससे मजबूती भी बढ़ जाता है और हमारे दीवार का लाइफ भी और सिक्योर हो जाता है। और इससे हमारा क्या फ़ायदा है, एक और फ़ायदा होता है कि हमारे दीवार को कड़क होने नहीं देता है किसी तरह का भी फोर्स है, लोड पड़ता है तो। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और देखिए हमारे हर ब्रिक वार पर इस तरह से किया गया है, जैसे आपको दिख रहा होगा 3 इंची का कंक्रीट। हमारे जहाँ जो जो काम वर्क चल रहा है वो बहुत ही बेस्ट तरीका से चल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा ब्रिक वार की क्वालिटी, और हर चीज़ को बारीकी से किया जा रहा है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए 2 जगह कॉन्क्रीट किया गया है। इससे क्या होता है कि जो भी लोड पड़ता है तो हमारी दीवार पर कड़क होने का चांस कम हो जाता है, और कड़क होता भी है तो उसको बढ़ने नहीं देता है। और देखिए हमारे हर ब्रिकवार के ऊपर, दीवार के ऊपर इस तरह से कंक्रीट किया गया है जो अभी वर्क चल रहा है। जैसे अभी हमारा मिस्त्री कर रहे हैं उस पर भी देखिए 3 इंची का कंक्रीट किया गया है, 1 जगह और 2 जगह, 1 2 2 जगह कंक्रीट किया गया है और फिर काम कर रहे हैं। इस तरह से आप करते हैं तो आपके दीवार जो है वो सिक्योर हो जाता है और ज़्यादा मजबूती रहता है, और क्रैक होने का गारंटी कम हो जाता है, चांस कम होता है। और बेस्ट तरीका यही है, आप जब भी ब्रिक वार करवाएं तो इस तरह की काम जरूर करवा लें। आप अपने घर का हो या हाउस का हो या कहीं और काम करवाएं तो इस तरह से ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे हमारा दीवार का लाइफ बनता है और लाइफ और भी ज़्यादा सिक्योर होता है, और भी ज़्यादा बेस्ट होता है, और भी ज़्यादा मजबूत होता है, और क्रैक होने का चांस कम हो जाता है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी।